अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम दो लेवल्स पे बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने इस प्रोग्राम के बारे में, और सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया का मैप। 6 मैप जो है जो आपके साथ डिस्कस होने वाला है, इसमें फिजिकल फीचर्स भी डिस्कस होंगे, इसमें पॉलिटिकल जो मैप है वो भी डिस्कस होगा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी कंट्री, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, एंड उसके बारे में जनरल नॉलेज के कौन से पॉइंट अहम हैं जो आपको किसी जनरल नॉलेज की किताब में नहीं मिले। सो पहले हिस्से के लास्ट में फिर आपके मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लूँ। तो पहला जो पार्ट है उसमें भाई हमारा ये 3 महीने का जो है वो सेशन है, दैट स्टार्ट्स एवरी मंथ, एक बैच हमारा स्टार्ट होता है और इसमें हम टोटल जो है वो 14 एरियाज को कवर करते हैं, और ये 14 एरियाज वो हैं दोज हैव बीन आइडेंटिफाइड थ्रू द पास्ट पेपर्स। थ्रू द पास्ट पेपर्स ऑफ पीपीएससी एंड एफपीएससी, और ये वो 14 एरियाज हैं, शायद अगर इनको कवर कर लिया जाए तो इनके बाहर से कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम का 1 पेपर एमसीक्यूज का टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। अब ये एरियाज कौन से होते हैं इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं मजीद अपने इस सेशन के बारे में चंद चीजें बता दें कि इस सेशन के अंदर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स और उसके फौरन बाद रिकॉर्डिंग जो 7-8 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, और नोट्स ऑन एवरी टॉपिक, फ्रीक्वेंट टेस्ट हर डोमेन के बाद, और जो जिस तरह से अपने लेक्चर्स की मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो एक नॉट ओनली कि एक पास पेपर्स की बेस पे चंद चीजें बता दी जाएं, बल्कि मैं ट्राई करता हूं कि स्टूडेंट जो है वो कुछ इस तरह से हमारे सेशन को लेने के बाद हो कि अगर उससे कोई बात करे हिस्ट्री के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, इंडो पाक की हिस्ट्री पे, तो उसके पास सफिशियंट नॉलेज हो, क्योंकि रिटन पास करना इज अ हाफ अ माइल स्टोन, असल में है एलोकेशन लेना, असल में है नौकरी लेना, तो वो उसके लिए इंटरव्यू प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल आपने रिटन एग्जाम दिया है और उस रिटन एग्जाम के अंदर आपने पास कर लिया, आपको इतने अच्छे नंबर हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। अब जो आपका आपका टेस्ट है, आपके टेस्ट के जो मार्क्स हैं दे ओनली इसका जो पोर्शन आपको बताया दिया जाएगा वो 10% है। अगर आपने क्वालिफाई करना है, आपने जॉब लेनी है, तो यू नीड टू हैव वेरी गुड स्कोर इन इंटरव्यू, क्योंकि हर सीट के अगेंस्ट वो 5 लोगों को अगर बुलाते हैं तो यू नीड टू आउटशाइन ऑल रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू विन दैट सीट। और आपने देखा होगा बाज लोग जो है वो एक एक सीट पे भी जो है वो एक पूरे पंजाब में एक सीट एडवर्टीजमेंट हुई, उसमें उनका 5-6 जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हुए फॉर इंटरव्यू, उसमें भी आउटशाइन कर जाते, उसकी वजह दे यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज। अब जो सीएसएस के पीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो ये बैकग्राउंड नॉलेज होता है, और लेकिन जो 1 पेपर को तैयार कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे उनको गाइड किया जाता है कि भाई आप सिर्फ पास पेपर्स को कर लो और सिर्फ आपको पता हो यूएनओ कब बनी है, दैट्स इट, ये काफी है। मैं कहता हूँ दैट्स इज नॉट सफिशेंट, यू नीड टू हैव अ सॉलिड बेस, नॉलेज बेस। वो खंगाल लेते हैं इंटरव्यू के दौरान किसका नॉलेज बेस है कि नहीं, आप मतलब कॉमन सी बात है ना कि अगर आप देखो कि एक तरफ आप बैठे हैं जिसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं पता इवेंट्स की, और दूसरी तरफ आपके बाद आपसे पहले 2-3 जाने वाले कैंडिडेट्स दे आर द एस्पायरेंट्स ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस, उनके पास कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइंस पे बोलने के लिए, हिस्ट्री पे बोलने के लिए, करंट अफेयर पे बोलने के लिए, तो ऑब्वियसली जो वहां पे आपका पैनल बैठा है वो दे नॉट विल नॉट प्रेफर यू, ठीक है ना। और फिर दूसरा इसका दूसरा रोल ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से फ्री होके आते हैं उनको पहले तो पता नहीं होता कंपेटेटिव एग्जाम का, हमारा ये सेशन उनको एक उनकी फ्यूचर जर्नी के लिए, अगर वो सीएस, मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ कि अगर ये 3 महीने के सेशन के बाद
अगर कोई बच्चा जाके अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करता है, कंपलसरीज को पढ़ना शुरू करता है, तो वो ब्लैंक नहीं होगा। वो आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है डॉन के, तो वो ब्लैंक नहीं होगा। उसके पास सफिशेंट जो है वो नॉलेज बेस होगी, जिसकी बुनियाद पे फिर उसको ड्राई नहीं लगेंगी चीजें, उसको चीजें यूं नहीं लगेंगी कि ये मेरे लिए बड़ी अजनबी किस्म की चीज। फिर मैं एडवाइस, आप जितने भी बच्चे हैं, मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि हार्डवर्क का जो है ना वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर आप कहें कि जी हमने सर शफीक का सेशन ले लिया और अब तो हम कंफर्म है कि जी हम रिटर्न पास कर जाएंगे, तो ऐसी बात हरगज नहीं है। रिटर्न पास करना है, इंटरव्यू पास करना है, कोई भी माइलस्टोन आपने हिट करना है भाई, उसके लिए आपकी पर्सनल एफर्ट जरूरी है। आप इस तरह के 50 सेशन ले लें, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल अंटिल यू योर सेल्फ पुट योर एफर्ट्स। तो उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ती है। और मैं एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी, तो वो मैं कहता होता हूँ हमेशा कि भाई यू नीड टू बी अनकॉमन, बिकॉज अ कॉमन मैन गोज नो वेयर। अब अनकॉमन कैसे हुआ जाता है? वो अनकॉमन ऐसे हुआ जाता है भाई कि अगर आपके पास, आपने एक सीट पे अप्लाई किया हुआ है, वहां पे 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग जो है ना वो पूरी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में वो अनकॉमन है। अब उन 10,000 लोगों में से चंद लोग होंगे जो जॉब टेस्ट होने से चंद दिन पहले जो है ना वो बुक्स लेंगे, तो वो तो कॉमन बन गए। अनकॉमन वो है जो अप्लाई से पहले ही उनके पास बड़ा अच्छा नॉलेज है, और फिर वो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे, 7 घंटे, जितना उनके पास अच्छा टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दैट मेक्स यू अनकॉमन। और अनकॉमन अगर बन जाए, हार्ड वर्किंग आपकी हो, तो आपको शायद सेशन लेने की भी, किसी को भी सेशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, सेशन गाइड जरूर करते हैं, टाइम बड़ा सेव हो जाता है सम टाइम, कि जो चीज आपको पता नहीं है कि कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उस पर आप 7 दिन खपते हैं, तो शायद सेशन आपको वो चीज 7 मिनट में हेल्प आउट कर ले कि भाई ये चीज है और आपने ऐसे इसको करना। बाकी बहुत सारे सोर्सेस और साथ साथ चलते रहते हैं, बताता रहता हूँ, और आई एम अवेलेबल इन माई व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर माई स्टूडेंट्स ऑलवेज। सो अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आपने इसके अंदर आपके जो भी सवालात होंगे वो आप जनाब बाद में, आप जो आपको मैं टाइम दूंगा आप कर सकते हैं। हम जरा जो हमने आज पढ़ना है जो चीज़, उसकी तरफ जरा चलते हैं। सो लेट मी शो यू। आई गेस आपके पास मैप नजर आ गया होगा, आपको एशिया का मैप है आपके आपके सामने। लेट मी पुट माई वीडियो ऑफ ताकि आपके सामने देखें, ये पूरी दुनिया में से दिस इज एशिया, ठीक है। मैं मतलब आज का जो चंक है, वैसे तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर वर्ल्ड मैप को, फिर उसमें कॉन्टिनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम कॉन्टिनेंट्स के स्पेसिफिक हिस्सों पे आते हैं। लेकिन आज चूंकि हम ना हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है, तो मैं इस पे डायरेक्टली आ रहा हूँ। देखें, ये सारे का सारा जो है ना वो एशिया है। अब किसी भी कॉन्टिनेंट को जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसके बॉर्डर्स को देखते हैं, ठीक है, कि उसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ है। मिसाल के तौर पे भाई, इस रीजन का क्या नाम, ये जो है ये वाटर बॉडी है, इसका क्या नाम है, ये वाटर बॉडी है, इसका क्या नाम है, ये वाटर बॉडी इसका क्या नाम है, ये वाटर बॉडी इसका क्या नाम है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है भाई इसका क्या नाम। तो ये सारे का सारा जो है ना वो होता है। आज हमने पढ़ना है स्पेसिफिकली, अब ये एशिया को आप देख रहे हैं, अब हमने पूरे एशिया को नहीं पढ़ना, हमने साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ना है। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है ना, हम मार्क करते हैं म्यांमार से, ये वाला जो हिस्सा है ना जी हमारा, जी ये इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ क्यों भाई, ये किसी भी मैप का ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है,
और ये एशिया के ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट एशिया। तो टोटल पर्टिकुलर टोटल यहाँ पे 11 स्टेट्स हैं, और इन 11 स्टेट्स ने एक एसोसिएशन बनाई हुई है आसियान, जिसमें 10 मेंबर हैं। एक कंट्री, ये जो ईस्ट तैमूर है, ये इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर है। अब ये क्यों मेंबर नहीं है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम पर्टिकुलरली इस जगह को छोड़ते हैं, हम स्पेसिफिकली जो है साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के मैप के ऊपर जो है वो चलते हैं। ये मैं साउथ ईस्ट एशिया का मैप आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ। ये आपके सामने साउथ ईस्ट एशिया का मैप आ। अब हम इसमें ना कंट्रीज को गिन लेते हैं। सबसे पहले म्यांमार 1, लाओस 2, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ये थाईलैंड आ गया सारा। दिस इज बर्नोई दारुल इस्लाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड ईस्ट टाइम। ठीक है, अच्छा। अब आपको मजे की बात यह है कि आपको ना दुनिया में एक सवाल पूछा जाता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया में कितने हैं। ठीक है, तो 44 है टोटल दुनिया में लैंड लॉक्ड, और उन 44 में से एक यहाँ पर भी है। अब जरा देखें, जो इस रीजन में एक ही कंट्री है जो लैंड लॉक, वो ये है लॉस। ओनली कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक का मतलब उसको कुछ सी की एक्सेस नहीं है, उसके इर्द गिर्द कंट्रीज ही है, लैंड मास ही है, उसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है, उसकी कोई साहिली पट्टी नहीं। ठीक है, ओनली वन कंट्री। अच्छा, अब हम एक एक करके इनके ऊपर चलते हैं और इनका जो बेसिक जनरल नॉलेज है ना वो देखते जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे भला, हम इसकी वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं जी, सबसे पहले म्यांमार, ये है जी म्यांमार। इसका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ, ऑफिशियल नेम है इसका रिपब्लिक ऑफ म्यांमार। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन 2020 से यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि फौजी हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड है और मिलिट्री जंटा उसको बोलते हैं, और सियासी पार्टियों पे पाबंदी, मिलिट्री जंटा। 2020 से यहाँ पर यही सिनेरियो चला हुआ है। अच्छा, अब इसका कैपिटल जो है ना वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट नेम है उसका, तो लिहाजा इट इज इम्पोर्टेंट। जिन जिन कंट्रीज का कैपिटल करेंसी थोड़ा डिफरेंट होता है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। नेपिडा, ठीक है, ये अपनी वीडियोस बंद कर ले सारे लोग। इसकी करेंसी का नाम भी थोड़ा डिफरेंट है, इस करेंसी इज, इसकी पार्लियामेंट का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, जो कि नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ मैं लिखवा रहा हूं, कभी आया नहीं है। अब ये क्या चीजें, मैंने तीन चीजें आपको बताई कि भाई जनरल नॉलेज के पेपर में ये तीन चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और बड़ा फेमस सवाल वो क्या होता है, वो होता है कि भाई इसका ओल्ड नाम क्या था। इसका ओल्ड नाम था जी बर्मा, बर्मा इसका ओल्ड नाम था। तो फिर चेंज म्यांमार हो गया कब, 1989। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अपने पास लिखोगे। उसमें नंबर वन ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट, एक दो तो दफा सवाल मैंने देखा भी है पेपर्स में, यूथांट, ये एक फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ से, जो अकवामे मुत्तहिदा के थर्ड सेक्रेटरी जनरल रहे। ठीक है, कब से कब तक, 1961 से 71, और ही वाज फर्स्ट एशियन टू होल्ड दैट पोस्ट। फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने ये पोस्ट
हासिल। इसके बाद और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ऑन सैन टू काई, एक ही नाम है। शी वॉज द पीएम जब यहाँ पे उन्होंने, ये मिलिट्री ने यहाँ पे आके जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोगोगेट किया। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 1991 से। अब इसकी एक बैकग्राउंड जब हम बोलते हैं इसको, वर्ल्ड जीके को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं भाई नोबेल पीस प्राइज क्या था, कब स्टेब्लिश हुआ, 1900 में पहली दफा कब दिया गया, 1901 में। कितनी कैटेगरीज में पहली दफा दिया जाता है, जी पांच। पांच कैटेगरीज कौन कौन सी थी भाई, उसमें आपका लिटरेचर था, पीस था, मेडिसिन था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और छठी कैटेगरी फिर 1969 में ऐड हुई जो कि इकोनॉमिक्स था। अब ये भी एक पूरा जनरल नॉलेज की डोमेन है भाई, पहला किस कैटेगरी में किस किस को मिला, कितने पाकिस्तानियों को मिला हुआ है, पहला पाकिस्तानी किसको, ओल्डेस्ट कौन है नोबेल जीतने वाला, यंगेस्ट कौन है नोबेल जीतने वाला, और फिर मुस्लिम खवातीन में सबसे पहले किसको मिला, मुसलमानों में सबसे पहले किसको मिला। ये एक पूरी एक पूरा एक इसका, इसके ऊपर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं आप नोबेल पीस में, ऑब्वियसली जो कि एक अलग टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद इसने यूके से इंडिपेंडेंस, ये भी एक कॉलोनी रहा यूके की लाइक अदर एशियन कंट्रीज, तो 1948 में इसको यूके से आजादी मिली। और जनाब यहाँ पर इनका जो पॉलिटिकल पार्टी मशहूर है आंग सान सुई काई की, उसका नाम है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो एक दफा सवाल आया था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है वो किस स्टेट की पार्टी है या किस पॉलिटिकल फिगर की पार्टी है। फिर आपको याद होगा 2019 में रोहिंग्या क्राइसिस जो है वो डेवलप हुआ था, मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों की यहाँ पे बड़ा जुल्म व तशद्दुद हुआ था उन पर, तो वो भी इनके इन्हीं का जो अराकान जो था वो रीजन था वहां पे ये हुआ था। अब जो बर्मीज जो खत है, रस्मुल खत है, ये स्क्रिप्ट है बर्मन जुबान का, वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, इट इज सॉर्ट ऑफ सम वर्ड, इसमें यूनिकनेस है ये। और इसको समटाइम्स लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, नॉट सो वेरी फेमस लेकिन थोड़ा सा इसको कभी कभी टच दे दिया जाता है। आगे चलते हैं जी, उसके बाद अगला कंट्री है जी हमारे पास थाईलैंड। अब थाईलैंड के ऊपर भी हम वही चीजें अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले जी इसका ऑफिशियल नेम क्या है, किंगडम ऑफ थाईलैंड, मतलब यहाँ पर अभी बादशाहत है लेकिन दुनिया में जितनी भी अब बादशाहतें हैं मोस्टली जो है वो आइन के तहत है भाई, उन्होंने कोई आइन बना लिया है और बादशाह भी उसी आइन के तहत ही गवर्नेंस करता है, वो एक सदर की तरह बिहेव करता है, लेकिन है किंगडम। तो कैपिटल इसका बैंकॉक, करेंसी बहुत फेमस एमसीक्यूज है, और ओल्ड नेम इसका सियाम। अच्छा जी, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एमसीक्यूज है वो है लैंड ऑफ फ्री पीपल, इसका मतलब ये है कि जिस दौर में मोस्ट एशियन नेशंस को यूरोपियन नेशन ने कॉलोनाइज किया, इस कंट्री को कॉलोनाइज नहीं किया जा सका, ये आजाद ही रही, इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ फ्री पीपल। और एक और इसका नाम है वो है वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ये भी लिख लेंगे आप। दुनिया में लार्जेस्ट रबड़ जहां पर प्रोड्यूस होती है जी, रबड़ का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, और इनका एक बादशाह मशहूर है जिसका मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अब ये वो चीजें हैं यू विल नेवर फाइंड इन एनी ऑफ द जनरल नॉलेज बुक, किंग रामा नाइन। ये जनाब 20वीं सदी का लॉन्गेस्ट रियोनिंग किंग है, मतलब इसने सबसे ज्यादा अरसा हुकूमत की,
कब से कब तक? 1946 से लेके 2016 तक, जब वो फौत हुआ। और ओवरऑल जो मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न दुनिया में जो मोनार्क रहे हैं, किंग्स रहे हैं, रूलर रहे हैं, उनमें इसका तीसरा नंबर है। अब आप अगले पहले दो जो हैं यू विल डिस्कवर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दैट्स इट। ये हम इसके बाद जनाब आगे मूव करते हैं, तो हम आते हैं जी लाओस पे। ये कंट्री है जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका ऑफिशियल नेम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कैपिटल वेंतियाने, वेंतियान या वेंतियान। करेंसी किप। अब यहाँ के कैपिटल और करेंसी बहुत डिफरेंट हैं, थोड़े यूनिक है, पूछे जाते हैं अक्सर। सो पहले जैसे हम बता चुके कि इट इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है? अच्छा, यहां पर जनाब एक आपको ट्रेडिशनल इनकी सेरेमनी मिलती है जिसका नाम है बासी सेरेमनी, बासी या बाकी। ये इनका एक रिचुअल है वेडिंग्स पे और बर्थ्स पर, जब बर्थ्स होती हैं या इनकी वेडिंग्स होती हैं उसमें होता है। फिर एक एक फेस्टिवल है यहाँ पे, रॉकेट फेस्टिवल। रॉकेट फेस्टिवल ईच ईयर जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है ना, तो ये मनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का कपड़ा तैयार होता है हैंडमेड, जिसका नाम है सिन। ये खवातीन के लिए होता है, और फा ये मेन के लिए होता है। बस दैट्स बिट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। अगले कंट्री पे चलते हैं जी, वियतनाम। सब इंपॉर्टेंट कंट्री है इस रीजन का, दिस इज वियतनाम, दिस इज वियतनाम। ये कंबोडिया है। अच्छा, वियतनाम जो रेडिश आपको नजर आ रहा है, ठीक है? अब वियतनाम का जनाब नेम क्या है? सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब जहां भी सोशलिस्ट का लफ्ज आएगा, तो आप जेहन जरूर पे रखिएगा कि वहां पर किसी ना किसी दौर में ना कम्युनिज्म का जो दौर है ना वो रहा है, कम्युनिज्म का असर वहां पे रहा है। अच्छा, इस कैपिटल इसका सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, कैपिटल हैनोई। करेंसी डोंग, अगेन इंपॉर्टेंट। और बहुत मशहूर शहर और सी पोर्ट, उसका नाम है हो ची मिन, जो इनके फेमस लीडर या फादर ऑफ नेशन के नाम पे रखा गया। अब उसको हम रेलिवेंट बनाएंगे कि वो कैसे रेलिवेंट है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आप लिखोगे, वो क्या है कि 1858 में से लेके 1954 तक ये फ्रेंच कॉलोनी रहा, यानी कि फ्रांस का यहाँ पे रूल रहा। फ्रांस का रूल यहाँ पे रहा, तो फ्रांस का मैंडेट या फ्रांस ने इसको जब आजादी दी, तो ये जनाब यहाँ पर जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही थी, उनमें जो दो पार्टीज में या दो ग्रुप्स में जो है ना, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल मजीद कंट्रोल के लिए फैल गई। एक थे जो कैपिटलिस्ट माइंड सेट के हामिल थे, और एक थे कम्युनिज्म। और इस दौर में दो ब्लॉक हैं जिनके दरमियान वर्ल्ड कोल्ड वॉर हो रही है, यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है? दुनिया की सोल पावर बनने के लिए। तो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रहा था जो साउथ हिस्से के जो लीडर थे, उनको सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और नॉर्थ में जो कर रहा था वो रशिया कर रहा था। अब जनाब यहाँ पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, और अमेरिका यहाँ पे खुद अपनी फोर्सेस को उतार देता है। ये जो इनकी वॉर है वियतनाम वॉर, ये 1955 से 1975 तक रहती है, और इस दौरान में आरजी एक लाइन कायम होती है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में, जिसको
कहते हैं 17th पैरेलल लाइन। एक सवाल होता है कि 17th पैरेलल लाइन जो है वो किन दो कंट्रीज के दरमियान मौजूद थी, तो वो थी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। तो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में ना जनाब 1975 में यूएसए ने यहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट का मतलब है कि यहाँ पर एक इवेंट हुआ जिसका नाम है फॉल ऑफ शाइगॉन। शाइगॉन जो था वो साउथ वियतनाम का कैपिटल था, तो इस पे भी नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया और यूएसए यहाँ से निकल गया, राइट। तो ये इवेंट हुआ 1975 में। 1975 होने के बाद फिर 1976 में ये जो लाइन की बॉर्डर था ये खत्म हो गया, वियतनाम एक कंट्री बन गया, यूनिटिफिकेशन होगी, यूनिफिकेशन होगी दोबारा, ठीक है। तो इस वॉर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो हुची मिन ने प्ले किया, जो नॉर्थ वियतनाम का जो था वो लीडर था, और उसी के नाम पे ये इन्होंने अपना फेमस शहर और सी पोर्ट रखी हुई, ठीक है, फेमस लिबरेशन जो था वो लीडर। अब यहाँ पे एक और चीज इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ का केव सिस्टम। यहाँ पे एक गार का केव सिस्टम है, या गारें की लंबी लाइनें हैं, तो उसका नाम है सॉन डोंग। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है, राइट। इसी में एक थोड़ी सी चीज और ऐड कर लें, टेट ऑफेंसिव। ये टेट ऑफेंसिव जो है ये नाम दिया जाता है मिलिट्री, उस मिलिट्री ऑपरेशन को, बहुत बड़े तबाही जो नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पे हमला करके की 1968। सो जनाब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया लैंडलॉक्ड होता, लेकिन इसको क्या लग गई, ये इसको कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, इस पानी को कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, और ये साउथ चाइना सी है। जो जी कंबोडिया का नाम है जी किंगडम ऑफ कंबोडिया, ठीक है। फेनोम पेन कैपिटल कंट्री, करेंसी का नाम रियल, ओल्ड नाम कंपोचिया। इसने फ्रांस से आजादी ली 1953 में, फ्रांस से आजादी ली, और 1979 से 1989 तक यहां पर वियतनाम का कब्जा रहा, फिर वहां से इन्होंने उसको छुड़ाया। यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है, उसको लिखेंगे आप, दैट इज एंगोर वॉट। ये बुद्धिज्म रिलीजन का दुनिया में सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। फिर एक टर्म यूज होती है इनके मार्शल आर्ट, यहाँ पे मार्शल आर्ट बड़ा फेमस है, तो टर्म नाम यूज होता है बोक्तार। ये इनका ट्रेडिशनल जो मार्शल आर्ट है ना उसका नाम। उसके बाद आ जाओ जी फिलिपाइंस पर। फिलिपाइन जो है, यू नो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये छोटे छोटे जजायर पर मुश्तमिल जो है वो कंट्री है, और इनका टेरिटोरियल जो इश्यूज वियतनाम और फिलीपींस के चाइना के साथ मौजूद है। कैपिटल का नाम है जी मनीला, काफी फेमस है, पूछा जाता है। करेंसी पिसू बहुत पूछी जाती है। पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, नहीं पूछा जाता। इस कंट्री को भाई कहते हैं टेक्सटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कभी नहीं आपने पढ़ा होगा।
क्योंकि यहाँ पे जनाब जो शॉर्ट मैसेजेस हैं उसके भेजने का बहुत रिवाज है। इसके बाद दुनिया का जो सी बर्ड का डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ करके मेरियाना ट्रेंच, यानी कि जो हमारा अर्थ प्लेनेट है जिसमें ऑब्वियसली हमारी सी भी शामिल है, तो उसकी डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है मेरियाना ट्रेंच, तो वो फिलिपाइन के पास मौजूद है। ये कोई 1994 जो मीटर गहरा है ट्रंच है यहाँ पे, और ये पैसिफिक ओशन में और दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक वैली है जिसका नाम है सिलिकॉन गल्फ। यहाँ पे करके गल्फ बनती है जिसको सिलिकॉन गल्फ बोला जाता है। इसने जनाब 1946 में यूएसए से आजादी ली, और अभी तक यूएसए का यहाँ पे खासा इन्फ्लुएंस है। चाइना के खिलाफ ऑब्वियसली यूएसए इसको यूज कर, यहाँ पे एक बहुत मशहूर प्रेसिडेंट था मार्कोस, जिसने काफी अरसा इसको रूल किया, लेकिन 1986 में यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लेके आए और उसके हुकूमत को खत्म कर दिया। ठीक है, मास एजिटेशन हुई और उसको खत्म कर दिया। सो जनाब दैट वाज अबाउट फिलिपाइंस पीपल रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ फिलिपाइन इसका ऑफिशियल नेम। उसके बाद आ जाओ जी, हमारे पास एक छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा, बुर्नोई। दिस इज बुर्नोई दारुल इस्लाम। ठीक है, तो जी बरनोई दारुल इस्लाम जो है इसका नाम है जी, इसका कैपिटल जो है वो है बंदर, बी आई बंदर सिरी बेगवान, बरनोई डॉलर यहाँ की करेंसी है। और इनका जो एंथम है या इनका जो लोग मोटो है इस कंट्री का, वो बड़ा यूनिक है, नेशन ऑफ पीस। इनका ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है, मुस्लिम कंट्री है। और यहाँ पर मतलब अभी तक जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, मतलब बिल्कुल जो एक तरह के मुकम्मल बादशाहत है दुनिया में ना, बहुत चंद एक कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी ये कायम है, तो अब इसमें यहाँ पे मौजूद। अब दो यहाँ पे जो फेमस चीजें हैं जो आप हमारे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, एक का नाम है आस्ताना नूरुल इमाम। ये जो बादशाह है ना उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है, और ये दुनिया की ऑफिशियल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस जिसमें बादशाह रहता हो भी हो, उस हिसाब से ये दुनिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट रेजिडेंस है, और इसका वर्ल्ड जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है ना उसमें मौजूद है इसका नाम। एक रिच कंट्री है। इसके बाद अगला कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री आ गया जी, वो आ गया हमारे पास इंडोनेशिया। दिस वन, ये सारा यहां तक सब इंडोनेशिया। ठीक है, दैट वाज बिट ऑफ ब्रुनोई, छोटा सा मलेशिया इंडोनेशिया। ठीक है, अब इंडोनेशिया जनाब, इंडोनेशिया का कैप रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता। करेंसी रूफी। न्यूज एजेंसी इनकी पूछी जाती है कि ये वाली न्यूज एजेंसी किसकी है, अंतारा। एयरलाइन इनकी पूछी जाती है गर्नोटा। अच्छा, यहाँ पर जनाब सीक्रेट एजेंसी है इनकी बिन, ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी फेमस सीक्रेट एजेंसी क्या है।
तो भाई ये दुनिया का लार्जेस्ट आर्किपेलेगो कंट्री है। भाई मतलब आर्किपेलेगो मतलब क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स पे मुश्तमिल। आइलैंड होता है ना ये जिसके चारों तरफ पानी हो, तो अगर वो क्लस्टर्स हों ऐसे ऐसे, उस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलेगो कंट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, ये आपसे सवाल है मेरा। आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एक अलग चीज है, और आइलैंड कंट्री जो है वो अलग चीज है, और आर्किपेलेगो अलग चीज है। आप इसके बारे में चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लिखें। पहला मुसलमान कंट्री है जिसने स्पेस सैटेलाइट भेजा 1976 में खुद से, और पहला कंट्री है जिसने यूएनओ को छोड़ा, मतलब दुनिया का वाहिद कंट्री, वन एंड ओनली कंट्री जिसने यूएनओ को छोड़ा 1965 में, फिर रीज्वाइन भी किया कुछ साल एक 6 महीने के बाद। अच्छा, डच ईस्ट इंडीज इसको बोलते हैं जी, डच ईस्ट इंडीज, क्योंकि यहाँ पे जो नेदरलैंड्स है इसकी ये कॉलोनी रही, इसका पुराना नाम है डच ईस्ट इंडीज। डच नेदरलैंड से इसने इंडिपेंडेंस ली 17 अगस्त 1945। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉलकैनो, आतशफशा वाले पहाड़ एक्टिव यहां पर हैं 130 से ज्यादा। दुनिया में सेकंड नंबर पर जो दुनिया की बड़ी कोस्टल लाइन है, साहिली पट्टी है, वो इसके पास है। सबसे बड़ी कनाडा की है, उसके बाद इसकी है। ये सारी साहिली बनती है ना, ये देखिए सारा साहिली बन, तो ये सी शोर इसका सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर दुनिया। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे फादर ऑफ नेशन इनका, तो बाकी एक बम्बू ब्रिज भी इसका मशहूर है, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ जो हमारे पेपर्स में आने वाली चीज नहीं। नाउ वी हैव लेफ्ट विद टू कंट्रीज, इंडोनेशिया और ईस्ट टाइम, सॉरी मलेशिया और ईस्ट टाइम। मलेशिया को देखते हैं जी, कैपिटल है इनका जी कोला लंपुर, करेंसी है रिंगेट, फेमस है दोनों चीजें, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का नाम है पुत्रा जाया, मतलब जो वैसे इनका दुनिया के साथ जिसमें डील करते हैं बैनुल अक्वामी वो तो है कुआलालंपुर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्रा जाया। इनकी पार्लियामेंट पे सवाल आता है, पार्लियामेंट इनके दो हिस्से हैं, तो एक हिस्सा जो है जिसको पूछा जाता है कि भाई इनकी पार्लियामेंट, उसका नाम है दीवाने रकात या रकायत। यहाँ पे दो सी पोर्ट्स मशहूर हैं और डिक्सन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में लिखते हैं। अच्छा हाँ, इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे ज्यादा, जो पिछला कंट्री था वो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री भी है, सबसे ज्यादा बड़ा रकबे के लिहाज से मुस्लिम कंट्री काजकिस्तान है, और आबादी के लिहाज से वो है। अच्छा यहां पर जनाब पेट्रॉन्स टावर, ये यहां पर थे और ये ट्विन टावर थे, और 2004 तक ये दुनिया के सबसे बड़ा ऊंची टावर्स थे, ट्विन टावर्स थे, उसके बाद अब उनके पास ये नहीं है। 130 से ज्यादा जुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं, इतना ये एथिकली रिच कंट्री है। महातीर मोहम्मद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, महातीर मोहम्मद जिसने इसको पीएम के तौर पे सर्व किया, और महातीर साहब को निशाने पाकिस्तान मिला हुआ है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, चंद फेमस लीडरों को मिला हुआ है जिसमें महातीर मोहम्मद साहब भी शामिल है। एक और फेमस यहाँ पे पर्सन है जिनका नाम है टंकू अब्दुल रहमान,
टंकु अब्दुल रहमान जो थे वो जनाब ओआईसी के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, पहले कंट्रीज था अब है कॉपरेशन। तो ये बनी थी मराकश के शहर रबात में 1969 में। तो उसका जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो टंकु अब्दुल रहमान था, जो यहाँ के थे। तुनतान अदलान शाह हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पे खेला जाता है, अभी पाकिस्तान गया भी हुआ था उसमें। ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है, 2 साल के बाद होता है। 1983 में ये शुरू हुआ था और पाकिस्तान ने इसको 3 दफा जीता हुआ, 1999, 2000 और 2003। ठीक है, तो जनाब ये चंद चीजें इसके बारे में। इसके बाद हमारे पास आ गया भी सिंगापुर, सॉरी, हम एक जो था ना वो सिंगापुर को जो है वो मिस कर गए यहाँ पर, उसको भी हम जो है ना वो शामिल करेंगे। वो उसके बगैर जो है ना ऑब्वियसली थोड़े बनते थे। ये रहा जी हमारे पास सिंगापुर, छोट सा जो, ठीक है, सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। डॉलर यहाँ पे करेंसी है। यूके से इन्होंने 1963 में इंडिपेंडेंस हासिल की और इनकी फेमस एयरलाइन है सिल्क एयरलाइन। बस आगे एक ही सवाल है जो बार बार पीपीएससी में आता है कि इसको एस्टेब्लिश करने वाला कौन था। तो ये ना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे मौजूद थी ये जगह ना। तो इसको जब बर्तानिया वाले यहाँ पर आए तो उस उनके बर्तानिया का एक एक जनरल कह लो, जिसका नाम है स्टैन फोर्ड रेफल्स, उसने इस जगह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बायस ना इसको एक मॉडर्न शहर के तौर पे देखा कि ये हमें स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको फाउंडर कहते हैं कि भाई उसने यहाँ पे ना सिटी की बुनियाद, शहर की बकायदा बुनियाद उसको। लेकिन ये फादर ऑफ द नेशन मानते हैं ली कुआन यू। इसको दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, इसका जो कैपिटल सिटी है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। और यहाँ के अभी एक पहली फीमेल प्रेसिडेंट आई है, हलीमा याकूब, जो इनकी मौजूदा और पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। बस इसके बाद आ जाए जी हमारे पास ईस्ट तैमूर। इसने इंडोनेशिया से आज़ादी हासिल की 2002 में। तो ये 21वीं सदी में आज़ादी पाने वाला पहला मुल्क है और यूएनओ का मेंबर फिर ये बनने वाला 21वीं सदी में पहला मुल्क है। ठीक है, यहाँ पर जनाब इनकी ना यंगेस्ट पॉपुलेशन है एशिया में। यंगेस्ट पॉपुलेशन मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है उसकी जो बुनियादी या मीडियन एज है वो 20 ईयर्स है। और ये वो वाहिद साउथ एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशियन, जो कि आसियान जो यहाँ की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर नहीं है। कैपिटल इसका नाम दिल्ली। यूएस डॉलर यहाँ पे चलता है जो ऑफिशियल करेंसी। ओल्ड नेम लोरोसाई। यहाँ पे एक इनकी तारीख का एक इम्पोर्टेंट जो है वो है संता क्रूस मासेकर। ये पब्लिक प्रोटेस्ट थे इंडिपेंडेंस के लिए तो 1991 में, तो उसके खिलाफ फिर जरा तशद्दुद किया गया तो लोगों की हलाकत हुई। तो ये अपने उसको अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट मकाम देते हैं। सो जी दैट वाज ऑल अबाउट साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, टोटल 11। अब जो इनकी आसियान है अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जी वो क्या है, कब कब क्या बनी, कहाँ से बनी। वो ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में डिस्कस करते होते हैं। नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस, लेट मी हैव योर अटेंशन।
जी अब आपके सवाल, आपके जवाब है। जी जनाब, आप सवाल। न्यू डील, दैट इज ऑब्वियसली सही है, और इसको सजा भी हुई थी वैसे अभी कुछ से पहले। जी एनीथिंग एल्स? ये जो आपने मेंशन किया ना महादीप, इसको मैं कहता होता हूँ 100 पर्सनैलिटीज का मैं बताता हूँ, तो वो जो है ना उसमें ये महादीप मोहम्मद साहब भी हैं उसको कवर। मैं इन पे आप कहता होता हूँ कि जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट वाला नेम आ जाए ना बंदे का, उस पे स्टूडेंट डाटा तैयार करें खुद, अगर वो वन पेपर को मजीद एक्सेल करना चाहते तो। वो ऐसे ही है कि उसकी बुक्स क्या हैं, उसको अवार्ड कौन कौन से मिले। ये लेक्चर यूट्यूब पे जी मैं अपलोड करूँ। बाकी अब मजीद डिटेल्स वगैरह जो हैं वो एडमन विल शेयर विद यू। यार जीके की बुक जो है ना, एस्पायरेंट्स है मेरे चैनल का नाम, एस्पायरेंट्स। यार जीके की किताबें सारी एक जैसी होती है, ठीक है। अब आप अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऑथेंटिक, तो उसमें मैंने एक ना पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑल अबाउट पाकिस्तान और ऑल अबाउट वर्ल्ड पे मैं भी काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह वो भी लॉन्च करेंगे। तो वो किताब ऐसी ऑल अबाउट पाकिस्तान, इल्मो दानिश पब्लिशर ने उसको शाया किया हुआ है, और उसमें पाकिस्तान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टेट सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा सवाल हो नहीं सकता कि जो उसमें ना मतलब कवर किया हो। तो वो तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। उसके साथ बाकी वर्ल्ड पे भी काम हो रहा है, जिसमें ये जो चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस हुई, इंशाल्लाह दे विल बी मेड पार्ट ऑफ दैट बुक। नहीं दानिश नहीं है, उसका नाम है ऑल अबाउट पाकिस्तान बाय शफीक डोगर, इल्मो दानिश पब्लिशर ने उसको जो है पब्लिश किया हुआ। जर्नल नॉलेज की बुक है ये, वन लाइनर है, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी है लास्ट। थैंक यू। और अगेन वही 3 महीने का सेशन है हमारा, जो बच्चे इनको ज्वाइन करना चाहते हैं वो एडमिन से ले लेंगे। कल तक थोड़ा अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो टेस्ट सेशन हमारा जो है वो इंशाल्लाह 3rd मार्च को स्टार्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। 3rd जून को स्टार्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। यू मे ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप। थैंक यू।